ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो देश के सभी लोगों को बधाइयां। एक मां को इंसाफ मिला और निर्भया कांड के बारे में जो बताया गया प्रेडिक्शन था, आइए हम देखते हैं इस क्लिप में मैंने क्या बोला था। वो सभी उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि जो जिस तरीके का कुकृत्य किया गया है, जिस तरीके का काम इन आरोपियों ने किया है, उनके लिए तो फांसी की सजा भी कम है और इनको जितना जल्दी फांसी मिल जाए उतना जल्दी एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा। तो ये निर्भया कांड के जो आरोपी हैं इनको जो सजा मिलेगी 7 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच में मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिल जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस क्लिप में ऑलरेडी बोला था, ये प्रोडक्शन पर्टिकुलर दिसंबर के मंथ में किया गया था और इस प्रोडक्शन में स्पष्ट रूप से मैंने बताया था कि 7 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच में ही मौत की सजा मिलेगी दोषियों को। और ये जो खुशखबरी आई है, क्योंकि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं उन लोगों को 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाएंगी तो शायद बाकी लोग डर से ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे दोबारा। तो ये तो एक खुशखबरी थी जो देश को आज मिली 7 जनवरी को। और 2020 का दूसरा प्रेडिक्शन यहां पर सही हुआ, क्योंकि मेरा रूल है कि जब भी मैं कोई चीज प्रिडिक्ट करता हूं तो सही होगा या गलत होगा उसको आकर यूट्यूब के माध्यम से उसको अपडेट करता हूं मैं। तो देश में इस बात को लेकर खुशी जरूर मनानी चाहिए सभी लोगों को। और 22 जनवरी को 7 बजे, जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रहा हूं, इन चारों आरोपियों को 24 जनवरी का डेट बोला गया था। न्याय के देवता जब न्याय के घर में जाते हैं तो न्याय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो न्याय मिला। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्यूचर में ऐसे दोषियों के लिए क्या कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट यहां पर इस वीडियो को सर्कुलेट करके पूरे देश में फैल सकता है। क्योंकि बहुत सारे राजनेता भी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी ये अपडेट पहुंचना चाहिए। ये तो खुशखबरी वाली बात है। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव को लेकर बहुत लोगों का कमेंट आया, मैं एक एक कमेंट पर रिप्लाई भी किया हूं। बहुत लोग ने ये बोला है कि सर आपकी ये भविष्यवाणी गलत होगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर्स लोग ने भी बोला है भारतीय जनता पार्टी आएगी, बट आपने अरविंद केजरीवाल को पुनः मुख्यमंत्री बनते हुए देखने की भविष्यवाणी की है। देखिए, मेरा प्रोडक्शन एकदम ऑनेस्ट प्रोडक्शन होता है। सबसे पहली बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं किसी दल से नहीं बिलोंग करता हूँ। एक बार पुनः उन सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बता दूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के चारों विधानसभा में मैंने बोला था कांग्रेस की सरकार आएगी और वहाँ पर भविष्यवाणी सत्य गई थी। तो मैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से नहीं बिलोंग कर रहा था, जो मुझे सत्य दिख रहा था मैं वहाँ पर वो ही चीज़ बता रहा था। दूसरा, जब मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के जीतने की ग्रह गोचरीय व्यवस्था सही बन रही थी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया।
बट ये प्रोडक्शन मैं रियली चाहता हूँ, केजरीवाल का जो ये प्रोडक्शन है, मैं रियली दिल से चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्शन गलत हो जाए, क्योंकि आप सभी देशभक्तों को पता होगा कि एंटी पार्टीज जो हैं, मैं पुनः बोल रहा हूँ, मैं किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, ये मेरा अपना मत है और मैं ये चाहता हूँ मेरी ये भविष्यवाणी गलत हो जाए। अगर मेरी ये भविष्यवाणी गलत होती है तो मुझे सही होने से 10 गुना ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन जैसा कि ग्रह गोचर बता रहे हैं अभी भी, आपको कल के वीडियो में क्लियरली ये बता दिया गया था, जो पहला प्रोडक्शन था मेरा जो 4 मंथ पहले का था, उसमें प्रोडक्शन में बताया गया था कि दिसंबर को लेकर मैंने कैलकुलेशन किया था, मुझे लग रहा था दिसंबर जनवरी के आसपास चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन किया। कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट था कि सर परिणाम कुछ भी हो आपको अपने बातों से नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बड़ी सिंपल तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी सर्वे को देखकर या लोगों को देखकर या टीवी चैनल्स पर देखकर मैं अपनी भविष्यवाणी नहीं चेंज कर रहा हूँ। मेरी प्रोडक्शन इसलिए केवल चेंज हुई है, और आपको बार बार भी बताया था कि किस समय चुनाव होगा, क्योंकि गोचरीय व्यवस्था जो होती है वो विषंत्री दशा बेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चुनावी माहौल को लेकर, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। चुनावी भविष्यवाणी जितनी भी मैंने की है, सब में गोचरीय व्यवस्था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, किस टाइम चुनाव होगा, उस समय दशा किसकी क्या चल रही होगी, किस टाइम रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, अभी तक तो केजरीवाल के पक्ष में ही जा रहा है, बट मैं पुनः चाहता हूँ ये मेरी भविष्यवाणी गलत हो। और क्योंकि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से पहले मैं एक भारतीय हूँ, और हम सबको पता है कि कुछ फ्री की चीज़ों के लिए, कुछ बिजली की बिल को माफ़ करने के लिए, कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण, आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण ऐसा हो रहा है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और अगर नहीं पसंद करते तो सर्वे में भी ये बात निकल के नहीं आती सामने। लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं किसी सर्वे की नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना प्रोडक्शन है, और जो भी प्रोडक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग केजरीवाल यहाँ जीत रहे हैं, और मैं पुनः बोल रहा हूँ मुझे खुशी मिलेगी अगर ये मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए। तीसरी चीज, ईरान इराक का टेंशन 24 जनवरी तक चलेगा। जब तक न्याय के देवता न्याय के घर में नहीं जाएंगे तब तक टेंशन्स बढ़ेंगी। शेयर मार्केट के बारे में हालांकि भविष्यवाणी तो मैंने बंद कर दिया है, लेकिन एक बार और रिकैप कर दूं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने शेयर मार्केट के लिए बोला था एक बहुत बड़ी गिरावट होगी, जिसमें बैंक निफ्टी 2000, निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा। इसकी आहट स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखिएगा तो पिछले 7 साल का सबसे बड़ा गिरावट सेंसेक्स में कल आया, 900 पॉइंट के करीबन सेंसेक्स में गिरावट आया। तो बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट का गिरावट आया, तो गिरावट आनी थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे सही हुआ है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैंने कैलकुलेट किया था, वो बार बार मैं रिपीट कर रहा था कि एक बड़ी चीज़ होगी जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी ये सभी गिरेंगे और देश भर के मार्केट गिरेंगे। तो एक रीज़न तो मिल ही चुका है, ईरान इराक का वार। अगर हल्का सा भी टेंशन इसमें और बढ़ता है, जो कि कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन 24 जनवरी तक किसी भी प्रॉब्लम से मना नहीं किया जा सकता है।
मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि अभी तो ईरान इराक पर या कोई कंट्री दूसरे पर तुरंत हमला करने वाली बात नहीं आएगी, अभी वाद विवाद चलेगा। इधर के प्रेसिडेंट कुछ और बोलेंगे, उधर के लोग कुछ और बोलेंगे, वाद विवाद चलेगा। और एक प्रकार से ये वाद विवाद 24 जनवरी तक चलेगा, उसके बाद ये थम जाएगा। फिर मई के टाइम में ये विवाद बढ़ेगा और अकस्मात बढ़ेगा, और सितंबर तक आते आते इसका विवाद जो होगा ज़्यादा होगा। और मैंने डेट 2021 का दिया हुआ है, 2021 में मंथ में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। उसके आसपास डोनाल्ड ट्रंप की जब केतु की अंतर्दशा चलेगी, तो केतु मोक्ष कारक होता है चतुर्थ स्थान पे, तो वहाँ पर इनको सभी लोग नापसंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी उनका टाइम अच्छा चल रहा है, इसलिए अभी वो शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि निर्भया कांड जैसा कोई दूसरा कांड ना हो, ऐसा क्या सजा दिया जाए जिससे कि इस निगेटिव चीज़ों पर लोगों को सबक मिले, ज़रूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। अगर आप भारतीय हैं, अगर आप निश्चित आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो एक माँ के लिए ज़रूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, और मैं केवल यही चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर दोबारा कभी किसी ने सोचा भी, तो उसको इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।